संजय भैया आप कहाँ रो रहे हो कलेजा पीट पीट करके? सबका वक्त आता, आपका भी वक्त आ गया। देखो भैया अब रो ना, बगता कलेजा पीट के रो रहे थे, फर्जी चोट लग जाएगी, हैरान मत हो गए। यूपी विधानसभा में योगी सरकार के मंत्री, अरे संजय निषाद जी पहचाने ही नहीं पहचाने, जो बाराबंकी जिले में आ चुके भैया, ये फूट फूट कर रोने लगे थे विधानसभा परिषद में। अब होना क्या था, ये 2015 वाली घटना याद करने लगे थे जब 302 में ये बंदी बना दिए गए थे, इनको जेल भेज दिया गया था। ये तो सुखराम राव सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनकी मदद की थी, इनके भाई की हत्या हो गई थी, कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई थी, वही सारी घटनाओं को लेकर ये भावुक हो गए और करेजा पीट पीट करके विधान परिषद में रोने लगे। 7 जून 2015 को माननीय मैं आपके सदन में सदन का आपका सेवक हूँ, आप बस ज्यादा नहीं, मैं सेवक हूँ, अपनी आवाज को मैं उठा रहा था। मेरे लोग 7 जून 2015 को कसरवल कांड, मैं रेल केंद्र सरकार की होती है, मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया, एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मूल्य हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी मेरे को, जेल में हमें तनाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा चार मेरी राजनीति बताया, ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कई जगह देता यहाँ कैसे चिंता है, मैं जानता हूँ मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जो जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया, मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखाने बंद कर दिया, मैंने 156 दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूँ इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों के मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, ये मेरे जान को बचाया है, आगे इस समाज के लिए काम करेंगे, धन्यवाद। हर सपा सरकार में गोली चलती है, योगी जी न्याय दिलाते हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे संजय निषाद, मंत्री होने के बावजूद भावुक हो गए, मुकदमा वापस लेने की बात कर रहे थे। पर फिलहाल एबिलिस्ट 24 की बार पर वीडियो कैसे लगी आप सभी को कमेंट करके बताएगा, वीडियो शेयर मत करिएगा, शो में सजुड़ी खबर से मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को शेयर कर डालो और आपको क्या लगता है कमेंट करो नीचे जाकर।